जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे ही कई साल बीत गए थे, धरती पर आए और वह अपने यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने दो पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर, तुम मेरे साथ चल सकती हो, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही लक्ष्मी माँ ने हाँ कह के अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे, रात बरसात होकर हटी थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन लेकर आई और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ कर लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस गई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।